एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करनी है किसकी? दोनों कारों की। तो पहले मान लेते हैं, माना पहली कार की चाल, चाल हमेशा बच्चों किस में होती है? किलोमीटर प्रति घंटे में। और फिर है दूसरी कार, तो दूसरी कार की चाल क्या हो जाएगी बच्चों? वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब सीधा आते हैं हम क्वेश्चन में, यानी प्रश्नानुसार। पहले बोला है इसमें कि दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में आ रही है बच्चों, यानी इनकी जो दूरी होगी कम होगी, यानी क्या हो जाएगी? माइनस दूरी कितनी है? 100। और कितने घंटे पश्चात मिल रही है बच्चों? 5 घंटे पश्चात। चाल है दोनों के बच्चों एक्स किलोमीटर प्रति घंटा पहले की, और दूसरे की कितनी? वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारा बच्चों समीकरण। अब यहाँ देखेंगे, 5 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा बच्चों एक्स माइनस वाई 100, यहाँ से आ जाएगा बच्चों एक्स माइनस वाई 5 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा? डिवाइड में, अपॉन में 5। यहाँ से एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। ये हो गया हमारा बच्चों समीकरण नंबर एक। फिर बोला है यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। अब पहले कितने घंटे पश्चात मिल रही थी? 5 घंटे पश्चात। अब मिल रही कितनी? 1 घंटे पश्चात। तो यानी चाल सेम रहेगी एक्स, यहाँ हम 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों 1 ही आएगा। प्लस अब कहाँ जा रही हैं बच्चों? विपरीत दिशा में। इनकी दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। दूरी क्या है? सेम ही है। समीकरण नंबर दो, किसी भी विधि से हमने निकालना है इसका सॉल्यूशन, तो विलोपन विधि को ही देखेंगे हम। ये माइनस ये प्लस दोनों कट, एक्स प्लस एक्स ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2x। यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना? 120। एक्स का मान बच्चों देखें कितना आ जाएगा? 120 मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में आ जाएगा एक्स बच्चों कितना आ गया? 60। अब यहाँ लिखेंगे हम एक्स का मान समीकरण एक में। समीकरण एक बच्चों हमारे पास है क्या? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20। एक्स का मान बच्चों कितना है? 60। क्या जाएगा? 60 माइनस वाई इक्वल टू कितना? 20 माइनस वाई, राइट में आ जाएगा कितना? 60। किस में? माइनस में। तो यहाँ से आ जाएगा कितना बच्चों? माइनस 40। इधर है हमारे पास माइनस वाई, माइनस से माइनस कट, वाई कितना आ गया? 40। वाई आ गया बच्चों 40 और एक्स आ गया कितना? 60। एक्स हमने किसको माना था बच्चों? पहली कार की चाल, तो ये आ गई बच्चों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे दूसरी कार की चाल बच्चों कितनी आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।